MIUI 12 यहाँ पे हो चुका है लॉन्च और ये आता है कमाल के फीचर्स के साथ। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये कमाल के फीचर्स। वैसे MIUI 12 जो था वो मैंने इंडियन एक्सेंट में बोला, अगर हम MI के एक्सेंट में बोले तो ये होगा MIUI 12। सबसे पहले अगर हम बात कर ले यहाँ पे सिस्टम एनिमेशन की, तो ये MIUI 12 में आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। MIUI 12 में पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितना हो पाया है पूरे सिस्टम एनिमेशन को इम्प्रोवाइज किया गया है। अब यहाँ पे चाहे आप बात कर लो वेदर चेक करने की, तो आपको रियल टाइम वेदर मिलेगा, मतलब कि जैसा बादल अगर बाहर बरस रहे हैं, बारिश हो रही है, तो आपको फोन में भी आपको बादल बरसते हुए या बारिश होते हुए दिखेगी। तो एप्लीकेशन में इसमें काफी ज्यादा ट्विक्स किए गए हैं और रियल टाइम एनिमेशन है एप्लीकेशन में। तो जस्ट लाइक आईफोन में अगर आपने देखा होगा iOS में, तो जब भी आप एप्लीकेशन को क्लोज करते हो तो बिल्कुल मोशन में जाता है और एप्लीकेशन के अंदर जाके पूरी विंडो क्लोज हो जाती है। सेम वही चीज यहाँ पे MIUI 12 में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात कर ले नेक्स्ट थिंग की, तो यहाँ पे ऐप एनिमेशन भी है, जैसा कि आपने अगेन iOS में देखा होगा। लाइक उसमें आप घड़ी वाली एप्लीकेशन को बंद करते हो या फोटोज को बंद करते हो तो वहां पे कुछ हल्का सा एनिमेशन देखने को मिलता है। सेम वही एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बेसिकली छोटे छोटे ट्विक्स हैं जो आपके फोन को एक नया लुक देते हैं, एक नया कर्व देते हैं, और मतलब देखने में लगता है कि हाँ, एक पुराना फोन एक नए तरीके से आपके हाथ में दे दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे विजुअलाइजेशन पे काफी ज्यादा काम किया गया है, मतलब कि यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू द फोन, ऐसी फील आती है आपको। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर प्राइवेसी, बिकॉज प्राइवेसी देखो आज के टाइम में बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। एंड्रॉइड के अंदर यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एप्लीकेशंस को परमिशन देनी होती है सारी। फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन देख रहे हो और उसको अगर परमिशन की जरूरत नहीं है तो उसको क्यों दें? तो ये जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये बिना आपकी परमिशन के किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। MIUI 12 में ये परमिशन के सेटअप्स आ गए और यहाँ पे पहले जहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन देखने को मिलते थे कि अलाउ करना है या डिनाई करना है परमिशन को, चाहे वो हो गया आपका कैमरे का परमिशन, गैलरी का परमिशन, माइक्रोफोन का या किसी भी ऐसी चीज का परमिशन, लोकेशन का, तो यहाँ पे अब आपको तीसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा कि भाई अलाउ भी करना है, डिनाई भी करना है, या फिर ओनली वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन, मतलब कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करोगे उस टाइम उसको किस किस परमिशन की यूज है, सिर्फ उसी टाइम वो उस परमिशन को यूज कर पाएगा। MIUI 12 इस एलिगेशन को बिल्कुल साफ करने आ गया और यहाँ पे MIUI 12 का क्लेम है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपके बैकग्राउंड में हो रही होगी तो वो भाई यहाँ पे आपको डायरेक्टली नोटिफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा कि आपके बैकग्राउंड में आपका लोकेशन, आपका माइक्रोफोन, आपका कैमरा या ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी चल रही है जो कि आपकी प्राइवेसी के साथ छेड़खानी कर सकती है, तो वो आपको क्लियरली यहाँ पे बता दिया जाएगा। ये काफी अच्छी बात है। स्प्लिट स्क्रीन का जो कॉन्सेप्ट है काफी पुराना हो गया और हर सिस्टम में लगभग अभी स्प्लिट स्क्रीन आ गया है, लेकिन स्प्लिट स्क्रीन की अपनी एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन यहाँ पे MIUI 12 के अंदर खत्म कर दी गई है। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन के साथ एक नया ऑप्शन आ गया है जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग विंडो, मतलब कि ये एक्चुअली जो आप काम कर रहे हो उस विंडो को डाइवर्ट नहीं करता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, और ये उसके ऊपर आके आपको और ज्यादा फीचर्स देता है और ज्यादा एलिजिबिलिटी देता है कि आप वहां पे कुछ काम कर पाओ। फॉर एग्जांपल आप पबजी खेल रहे हो तो पबजी को आप स्प्लिट स्क्रीन में लेके नहीं जा सकते, बिकॉज वहां पे जो स्क्रीन है काफी छोटी हो जाएगी और वहां पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब इस केस में अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, चैट भी करना है, कुछ रिप्लाई भी करना है और पबजी भी खेलना है, तो यहाँ पे आप ये फ्लोटिंग विंडो को काम में ले सकते हो। यहाँ पे विद इन पबजी के स्क्रीन के ऊपर एक फ्लोटिंग विंडो आ जाएगा छोटा सा, वहां पे आप टैप करके सारे मैसेजेस देख सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो और दोबारा उसको मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये फ्लोटिंग स्क्रीन का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है, लेकिन MIUI 12 में आपको नए तरीके से देखने को मिलेगा नए एनिमेशन से। अगला फीचर यह है कि स्मार्टफोन्स के अंदर सबसे ज्यादा ट्रबल आता है बैटरी का, और बैटरी के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन आए कि भाई आप लो पावर मोड में चले जाओ, बैटरी सेविंग मोड में चले जाओ, लेकिन MIUI 12 एक एक्स्ट्रा फीचर के साथ आया है जो कि है अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड। तो इसके अंदर सिर्फ आपके लिमिटेड एप्लीकेशन आएंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप या एक दो एप्लीकेशन आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग डार्क मोड देखने को मिलता है, लेकिन एक चैलेंज आता है, डार्क मोड सिस्टम के जो अपने एप्लीकेशन है वहां पे काम करता है, जो स्टॉक एप्लीकेशन है वहां पे काम करता है, लेकिन जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो उन एप्लीकेशन के अंदर डार्क मोड देखने को नहीं मिलता। तो इस MIUI 12 के अंदर ये जो डार्क मोड का फीचर है ये आपके सारे एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होगा, मतलब यहाँ पे ऐप डेवलपर्स को अलग से कोशिश नहीं करने, इसके अंदर ये फीचर है कि ये सारे एप्लीकेशन को डार्क मोड में कन्वर्ट कर देगा। और वहां पे जब यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो तो गैबी फेलो के, और यहाँ पे आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ये भी एक काफी अच्छी बात हो जाती है, और यहाँ पे भी मतलब MIUI 12 काफी अच्छा काम करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये थी कमाल के फीचर्स, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो इस वीडियो को करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।